हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंडिफरेंस कर्व की फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिफरेंस कर्व नीदर टच एक्स एक्सिस नॉट टच वाई एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करती। अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस तो कर सकती हैं, वो हम मास्टर डिग्री या ऑनर्स लेवल पे हम डिस्कस करते हैं कि जब हमने एक ही गुड खाना हो, तो जिस केस में एक ही गुड खाना होता है और दूसरा नहीं खाना होता, उसी केस में करती हैं। मगर इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन आपको ये कहती है कि इंडिफरेंस कर्व इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो जब भी ये एक एक्सिस को टच करेगी, जैसे ये ए पॉइंट पे टच कर रही है या बी पॉइंट पे टच कर रही है, तो जिस एक्सिस को टच कर रही है, फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे टच कर रही है, तो बी गुड खा रही है ओ बी, मतलब एक्स गुड खा रही है ओ बी, और इसी के सामने वाई गुड चलें तो वो तो जीरो हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे टच कर रही है, तो ए पॉइंट पे आप वाई गुड तो इतना खा रहे हो ओ ए, मगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स गुड कितना खा रहे हो, जीरो। तो सिंपल वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है IC1 एंड IC2, जब भी कोई इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सिस को टच करती है, मान लो इस एक्सिस को टच कर रही है, तो जो दूसरे एक्सिस पे जो गुड दिया हुआ है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व तो दो गुड का कम्बिनेशन है, ये एक गुड का कम्बिनेशन तो नहीं है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हमने लिखना है, तो मैं ये लिखता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व नीदर टच एक्स एक्सिस नॉट टच वाई एक्सिस, बिकॉज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ अपने पेपर में, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, इफ इंडिफरेंस कर्व टच एनी ऑफ द एक्सेस देन द गुड शोन ऑन अदर एक्सेस, जो दूसरे एक्सेस पे गुड शो होगा, द गुड शोन ऑन अदर एक्सेस विल बी जीरो। ठीक है, एंड इंडिफरेंस कर्व इज नॉट अ कम्बिनेशन ऑफ ओनली वन गुड, इज नॉट अ कम्बिनेशन ऑफ ओनली वन गुड। तो ये एक गुड का कम्बिनेशन थोड़ा ना, ये तो एक से ज्यादा गुड का कम्बिनेशन है, मतलब दो गुड का कम्बिनेशन है। तो इंडिफरेंस कर्व जब भी किसी एक्सिस को टच करती है, इसको या दूसरे एक्सिस को, तो जिस एक्सिस को टच कर रही है वो गुड खाएगी, दूसरे एक्सिस वाला जीरो हो जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व दो गुड का कम्बिनेशन होता है, ये एक गुड का कम्बिनेशन नहीं होता। इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है कि इंडिफरेंस कर्व ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगी और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।